ये भगवान मैंने ये क्या देख लिया, नहीं मतलब मेरी आंखों में मच्छर मूत के चला गया या गिलहरी ने आंख में घुस के अंदर पाद मार दिया। एक बार को कोई मुझे बोलेगा ना कि सल्लू भाई ने जाके हिरण की पप्पी ले ली, वो भी मैं मान जाऊंगा, पर इसको तो आंखों से देखकर भरोसा नहीं हो रहा। एक बार को सरजू भी अंग्रेजी बोल सकता है, पर ये अच्छे कपड़े ना नक्को बिल्कुल नहीं, कभी नहीं पहन सकती। क्या बोल रहे हो, सरजू कौन है? बताता हूँ आगे बताता हूँ। थाम्बा वो पीछे वाली आंटी उचक के गाल पे तमाचा मार देंगी। जाहिल जमाना है, उर्फी तो बड़ी समझदार है। मतलब भाई साहब, एक बार चिड़िया पानी के अंदर तैर सकती है, शेर नंगे बिजली के तारों पे दौड़ लगा सकता है, पर उर्फी सीधी नहीं चल सकती। मतलब ढंग के कपड़े पहने भी तो कहां, बीच पर जहां आधी दुनिया आधे कपड़े पहन के घूमती है, पूरी की पूरी कार्टून हो रखी। कार्टून नहीं देखे, पूरी दुनिया में नंगे घूमते और जब नहाने जाते हैं तो एक चड्डी आ जाती है मोगली के जैसे। वैसे मोगली जैसे कपड़े तो सरजू भी पहनता है। हाँ जी, यही है सरजू, मोगली का छोटा भाई। ये भी जंगल में रहता है, पर ये उर्फी की तरह छोटे कपड़े व्यूज के लिए नहीं पहनता। ना नक्को बिल्कुल नहीं, उसके यहाँ सब वैसे ही कपड़े पहन रहे थे और मौज की जिंदगी जी रहे थे, जब तक कुछ बिजनेसमैन लोगों ने आके उसके जंगल में दंगे नहीं कर दिए और बेचारे सरजू के आधे रिश्तेदारों को निपटा दिया, आधे पूरे रिश्तेदारों को निपटा दिया। जैसे उर्फी निपटा देती है अपने कपड़ों को, वो बात अलग है, वहां पे सीन इमोशनल था, यहाँ पे फनी है। ऐसा लग रहा है कि एक बच्चे को उसकी माँ ने ज्यादा मस्ती करने पर रस्सी से बांध दिया था और बच्चा रस्सी से निकलने के चक्कर में और ज्यादा उलझ गया है। और मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि वो बच्चा उस जाल के अंदर सांस कैसे ले रहा है, क्योंकि उसको देख के मेरे को घुटन होने लगी है। एक्टिंग वेक्टिंग मेरी बस की बात नहीं है, ये आर्या पार शो के एक्टर्स पे ही छोड़ देता हूँ, ज्यादा ही अच्छी एक्टिंग करते हैं वो लोग तो। सही बताऊं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि घर की सारी नई पुरानी चड्डियों की लास्टिक मतलब नाड़ा निकाल के उसका नया कबाड़ा बनाया गया है। पर सच जान के आपको और ज्यादा हैरानी होगी कि उसकी बॉडी पे टेप चिपके हैं। मैं बोल रहा हूँ ना, उसका बहुत पहले भरोसा उठ चुका है कपड़े वपड़े जैसी तुच्छ चीजों से। अब वो सिर्फ बर्तन भांडे कांच धतूरा टेप बत्ती इत्यादि न जाने क्या क्या पहन के घूमती है। नॉर्मल लोगों जैसे कपड़े नहीं पहनती, जैसे नॉर्मल लोगों की तरह सरजू किसी को गोली बंदूक से नहीं मारता, वो मारता तीर कमान से। तीर कमान चलाता है भाई साहब, चलाना ही पड़ता है बदला लेने के लिए। अरे आर्या पार वेब सीरीज की बात कर रहा हूँ, कल रात को ही पूरी खत्म करिए भाई साहब, क्या मस्त एक्शन है। मैं रात में जाग के वैसे देखता नहीं हूँ, पर देखते देखते इतना इन्वॉल्व हो गया था मैं, इतना भयंकर एक्शन है कि मैंने तो पूरी रात जाग के खत्म की है। बुरी आदत है ना, अच्छी चीजें जल्दी खत्म कर देता हूँ, जैसे उर्फी खत्म कर देती है अच्छी चीजों का यूज। सबसे अलग सबसे असली डिफरेंट कैलिबर। हाँ जी, तो अर्ज किया है, जमीन खोदने में काम आती है खुरपी, फ्लेवर कोई भी हो ठंडी होती है कुल्फी, फिर चाहे इज्जत का कबाड़ा हो या भजिया पाव, हाथ में उसके कोई भी धातु दे तो उसको लपेट लेती है उर्फी। हमें बाजीगर सबसे अलग सबसे असली डिफरेंट कैलिबर। अरे दीदी, वो नंदू के कच्चे का नाड़ा नहीं है, चेन है वो चेन। मतलब तुम्हारी जिंदगी में चेन नहीं है तो साइकिल की भी जिंदगी से निकाल दोगी? और बहन, जैसे तुमने चेन लपेटी है, ऐसे मार्केट में एक लौंडा घूमता है घड़ी लपेट के। फर्क बस इतना है कि उसको सब पैसे देते हैं, गालियां नहीं, क्योंकि वो इज्जत का काम कर रहा है। और हाँ, दुनिया को आज उस सवाल का भी जवाब मिल गया। उर्फी ने हमेशा चुराती है वो, कितना बढ़िया रोमांटिक गाना था, है पूरा कबाड़ा कर दिया। और देखो यार, वैसे भी तुम लोगों को पता है मुझे रोमांटिक निब्बा निब्बी ये सब चीजें ज्यादा पसंद नहीं है, मुझे तो एक्शन पसंद है मस्त वाला, जो कि आर्या पार में भयंकर एक्शन है। और हीरो की एक्टिंग तो इतनी बढ़िया थी कि मेरे जैसा आलसी आदमी रात भर जागा है पूरी देखने के लिए। मतलब तुम सोचो, बंदा दूसरे देश में जाके तीरबाजियां कर रहा, तीर से मार रहा सबको, और उर्फी की नजर अगर उस पर पड़ गई तो वो उसके तीर वीर भी निकाल के खुद से चिपका लेगी। और आप लोगों को तो पता ही है, एक बार ऑलरेडी वो खुद को जख्मी कर चुकी है ऐसी ड्रेस पहन पहन के, पर मानती थोड़ा है। नॉर्मल लोग कपड़े लेके ज्वेलरी ढूंढते हैं, पर उर्फी की खोज ज्वेलरी से शुरू होकर ज्वेलरी पे खत्म हो जाती है। बहन, ये नेकलेस तो ठीक है, उसके नीचे की ड्रेस क्यों लेस कर दी? और सही बताऊं तो ये गले में फंसा हुआ खांचा नेकलेस का पप्पू पंचर की दुकान का बेल्डिंग का औजार ज्यादा लग रहा है। कौन सा औजार चुराया है, पाना या पेचकस? पहले मुझे बताओ कि इसके साथ डेट पे जा कौन रहा है, जिंदगी से प्यार नहीं है या मौत की चुम्मी लेने का शौक है? मतलब भाई, एक बार और सोच ले, वो कांच पत्थर पहनती है, तुम रोमांस करने जाओगे वॉयलेंस अपने आप हो जाएगा, अभी भी गले में ना जाने किसका चूड़ा पहन के आई है। मुझे ना नॉर्मल कपड़े नहीं पहन के जाने डेट पे, मुझे बोरी पत्थर ही पहन के जाना है,
कि नहीं पसंद आया, बोरी में उसको डाला, पत्थर से मारा, बात ही खत्म हो गई वहीं पे। अरे अरे दीदी, मतलब बात तो खत्म हो जाएगी पर कपड़े भी तो खत्म हो जाएंगे। पत्थर उसको मार दोगी, बोरी में उसको बंद कर दोगी, मतलब शारीरिक तौर पर तो नंगू पुंगू हो जाएगा ना मामला। वाह दीदी वाह दीदी, खाने को शरीर ढकने में यूज करती है और कपड़ों को खा जाती है, इसलिए दिमाग में पूरा रद्दी कबाड़ा ही भरा हुआ है। अबे खाने पीने की चीज बॉडी के अंदर डालते हैं, बाहर नहीं रखते उसको। और तुमसे ज्यादा लेयर तो तुम्हारे पैनकेक के ऊपर है बहन, थोड़ा तो ढक लो खुद को। दिमाग में कीचड़ है ना में ढीली उर्फी, या क्या बन गई बहन, चलती फिरती पीली कुल्फी। ऐसे मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है ये इंस्पायर कहाँ से हुई है, डोसे से, समोसे से, रसमलाई से, कौन सी पीली चीज ने इंस्पायर किया है। समझ गया ना, नक्को बिल्कुल नहीं, इसको इंस्पायर किया है डोरिटो चिप्स ने। Really? You're eating Doritos? सही बताऊं तो ऐसा लग रहा है किसी फूड ब्लॉगर के वीडियो में रसमलाई वाला समोसा रखा होगा। मतलब दीदी ये सब पहन के जाओगी कहाँ, लिफ्ट में तुम समाने नहीं वाली, कार में तुम्हें सुपरमैन बन के बैठना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ पहले चीजों पे लिखा आता था कि बच्चों से इसको दूर रखें, अब साथ में लिखा आएगा कि उर्फी जावेद से भी इसको दूर रखें। तुम सोचो इतना बड़ा कैन है, उससे ड्रेस नहीं बनाई, छोटा सा ढक्कन निकाल लिया, और वो भी चुभता है भाई, चुभता नहीं है क्या ये सब। पर चुभता तो सबको सरजू है जब तीर कमान से धूम मचाता है। देखो वहाँ ट्राइब की बस्ती है, ये लोग बाहर वालों से बहुत नफरत करते हैं। अरे यार मेरे सर पे चढ़ गई है ये वेब सीरीज, सही में इतनी बढ़िया है, मेरे को तो मजा आ गया। तुम्हें क्या लग रहा है मेरे को पैसे दिए हॉटस्टार ने ये सब चीजें बोलने के लिए? अरे हाँ मतलब दिए हैं, पर अगर वो नहीं भी देते ना तो भी मैं वीडियो बनाता, क्योंकि अच्छी चीजें मुझे तुम लोगों के साथ शेयर करने में अच्छा लगता है। और कास्ट भी आर्या पार में बहुत अंडर रेटेड है, मेरे पिताजी को तो बहुत ज्यादा पसंद आई, तुम भी देखो तुम्हें भी पसंद आएगी। तो अभी ये वीडियो फिनिश करके जाओ और देखो हॉटस्टार स्पेशल आर्या पार डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे। मस्त फैमिली फ्रेंडली है, बढ़िया, देखो जाओ मजे करो। उर्फी जावेद के जैसे नहीं है जिसने अपने फैशन के नाम पे क्रिसमस तक को नहीं छोड़ा। ए थम्बा थम्बा, खुद को सेंटा क्लॉस मत बोल, अभी सुन लिया सेंटा क्लॉस के हिरन ने ऐसा बम में तीर घुसाएगा कि बचा कुचा एरिया भी लाल हो जाएगा। और बहन इतनी ज्यादा ठंड है कि मैं तो रजाई से नहीं निकल पा रहा, और ये अपने एक पैर की जान लेने पे तो ली हुई, मतलब तुम सोचो पूरी की पूरी बॉडी ढकी हुई है, सिर्फ वो एक पैर बेचारा हवा में खुला छूट गया है। उर्फी के शरीर को सजा मिलती है इस बात की वो उर्फी का शरीर है, मतलब लोग नॉर्मली ठंड में अपनी बॉडी को गर्मी देते हैं, उर्फी वो टॉर्चर देती है टॉर्चर। तो उर्फी जैसे ना बने अच्छे बने, जो कि मुझे पता है आप ऑलरेडी है। तो वीडियो को लाइक करें, फेवरेट पार्ट कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब कर दें, और हाँ लिंक डिस्क्रिप्शन में अभी जाके देखें आर्या पार हॉटस्टार स्पेशल डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे। मैं उसे ठीक कर सकती हूँ। मैंने तो देख ली, बहुत मजा आया, तुम भी जाओ और मजे करो, मैं चलता हूँ। मम्मी मेरी साइकिल की चेन कहाँ है, मुझे भी चेन चुराना है। क्या मतलब है, मैं हूँ तो चेन वैसे भी नहीं है किसी की जिंदगी में।